सलाम मीडिया, आप देख रहे गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से मार्केट में जो है बंद का ऐलान कर दिया गया है शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के। किस तरीके से ये सब जो बातें हो रही है, TMC ने क्या मैसेज दिया है, इन मैसेज के बारे में आज हम बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे और ऐसे अपडेट हम आपको लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे हसन मुल्लानी से, देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मुल्लानी है और लॉकडाउन के ताल्लुक से जो बातें की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया है कि लॉकडाउन जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें जिन जिन चीज़ों को परमिशन दी गई है, जिन चीज़ों को इजाज़त दी गई है, वो तमाम चीज़ें खुली रहेगी। जैसे उसमें एसेंशियल सर्विसेज आ गई, दवाई आ गई, या फिर डेयरी वगैरह बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, ये तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की है वो तमाम चीज़ों को परमिशन दी गई है और वो तमाम चीज़ें खुली रहेगी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर या सैलून हो गए, जिनको बराबर अनलॉकडाउन के हिसाब से जो स्टेप बाई स्टेप परमिशन मिल चुकी है, वो 5 अक्टूबर के बाद से जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, होटल है, इनको परमिशन मिल चुकी है। जिनको भी इजाज़त मिल चुकी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, वो तमाम बिजनेसेस खुलेंगे और वो तमाम बिजनेसेस बंद रहेंगे जिनकी परमिशन नहीं है। जैसे स्कूलें बंद रहेगी, कॉलेजेस बंद रहेंगे, धर्मस्थल जैसे है हमारी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च वगैरह है वो बंद रहेगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल जो है, हमारा जो थिएटर है वगैरह, वो सब बंद होगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की निगरानी में जितना हो रहा है वो रहेगा। रेलवेज़ बंद है, रेलवे सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या बैंक के एम्प्लॉइज़ के लिए जो मुहैया कराई जा रही है वही रहेगा। तो तमाम नोटिसेज आई थी। इसके अलावा मार्केट की टाइमिंग को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो मार्केट का जो टाइमिंग मिला हुआ है ये कोई नया टाइम टेबल नहीं आया हुआ, ये तकरीबन 3 महीना पुराना टाइम टेबल है। तकरीबन 3 महीने पहले ही ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नोटिस आया था कि तमाम दुकानें सुबह 9 बजे खुलेगी और शाम में 7 बजे बंद होगी। तमाम दुकानें जितनी भी नॉन एसेंशियल्स में है, जिन जिन लोगों को परमिशन मिली हुई है, फॉर एग्जांपल सलून्स, तो ये सुबह 9 बजे खुलेगी, शाम में 7 बजे बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल्स, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलते हैं, वो सुबह 9 बजे खुलेगी, शाम में 7 बजे बंद हो जाएगी। राशन की दुकानें सुबह 9 बजे खुलेगी, शाम में 7 बजे बंद हो जाएगी। ऐसी दुकानें जो इमरजेंसी सर्विसेज में आती, जैसे दूध की दुकानें हो गई या मेडिकल हो गई, तो ये शाम में 7 के बाद भी खुली रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा जितनी भी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, इन सबको परमिशन मिली है कि सुबह 9 से लेकर शाम में 7 बजे तक खुली रखे। 7 बजे के बाद में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना पेनल्टी लगा रही है या फिर सील कर रही है, जो भी चीज़ें कर रही है, वो अपना कार्रवाई लीगली कर रहे हैं। तो ये नया टाइम टेबल नहीं है, पुराना टाइम टेबल है। बस इसे कौसा मुमरा की आवाम के लिए और कौसा मुमरा में पेशेंट्स ना बढ़े, इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सख्त मिजाज पर अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। और आगे जाकर गवर्नमेंट के कोई भी नोटिसेस या कोई भी अपडेट आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि गाइड न्यूज़ और हमारे हनीफ भाई है, इनके ज़रिए से इंशाल्लाह आप तक पहुंचाया जाए।